Hello, welcome to Arbind, Singh, Academy. We are discussing area under the curve. We have already discussed part 1 to part 6 on this topic. And I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. And aaj ki class mein hum kuch aur difficult questions ki baat karne wale hain. We are going to discuss some very beautiful questions today and some of the questions which has been already asked by IIT JEE. So let us discuss few questions which we are going to discuss on the basis of the examination of IIT JEE. And first question is find the area enclosed by the curve x square plus y square is equal to 25 and 4y is equal to modulus of 4 minus x square and x is equal to 0 and above x axis. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे को कितने इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है x square plus y square is equal to 25. Clearly 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 square लिख सकते हैं। और ये x square plus y square is equal to r square के फॉर्म में है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, it represent a circle, है ना? With center 0 0, नहीं, सेंटर कितना 0 0 एंड रेडियस कितना 5, ये पता चल गया इससे कि रेडियस इज 5, ये पता चल गया। दूसरा जो है वो है क्या कि ये दूसरा हमारा कर्व है वो है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट y एक्सिस, रिप्रेजेंट y एक्सिस, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 और अबव x एक्सिस निकालना है, मतलब पोस्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तीसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो वाला इक्वेशन ये है कि 4y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या करें तो दो बातें होती है कि एक अंदर की चीज पॉजिटिव है तो बाहर आके मॉडुलस एज इट इज हो जाता है और अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो बाहर माइनस साइन हो जाता है। तो ये कर्व जो होगा वो इस तरह का कुछ होगा कि 4y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जब x हो किसके किसके बीच में, माइनस 2 से 2 के बीच में हो, तब x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर x प्लस 2 x माइनस 2, तो x स्क्वायर जो है वो माइनस 2 से 2 के बीच में हो तो ऐसा होगा और ये होगा माइनस ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर, कब, व्हेन 4 माइनस x स्क्वायर इज लेस देन 0, दैट इज क्या होगा कि x किसके किसके बीच में होगा, इधर लाइज लेस देन माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन 2। So this will be the case when x square x is either less than minus 2 or x is greater than 2. तो ये कैसे होंगे? तो इसका मतलब हुआ कि हम कर्व के बारे में पहले आइडिया लेंगे कि कर्व कौन कौन सा है। अब जो दूसरी बात है कि ये जो कर्व आएगा 4y is equal to 4 minus x square, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पहला हो गया कब, कंडीशन क्या हो गया कि व्हेन एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस 2 टू 2, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये अगर देखें तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 वाई, यानी हम इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लूं तो वाई माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई के पैटर्न पे हो गया, दिस इज इन पैटर्न ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 एक्स 4 वाई, है ना? और ये किस पैटर्न पे है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ये भी रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, और पैराबोला कैसा, तो पैराबोला माइनस साइन है
तो x का पावर आपको ध्यान होगा तो x जो है इवन है तो y के सिमेट्रिकल होगा, और कैसा होगा तो डाउनवर्ड होगा। पैराबोला कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा, x का पावर इवन, y के सिमेट्रिकल, लेकिन डाउनवर्ड होगा ये पैराबोला। तो एक आइडिया मिल गया कि ऐसा पैराबोला होगा जिसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर होगा इसका जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, एंड यानी वर्टेक्स जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा वर्टेक्स इस पैराबोला का होगा, वर्टेक्स इज x इज इक्वल टू जीरो दैट इज जीरो, एंड y इज इक्वल टू जीरो, द कैपिटल y जीरो का मतलब y माइनस वन जीरो, यानी y माइनस वन जीरो तो y की वैल्यू वन, तो जीरो वन पे वर्टेक्स होगा, जीरो वन पे क्या होगा इसका वर्टेक्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ होगा तो ये टू पे और माइनस टू पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा तो एक्स एक्सिस को टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो अगर रख दें तो क्या मिल जाएगा, वाई जीरो रख देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। सो माइनस टू कॉमा जीरो एंड टू कॉमा जीरो आर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल ही गया है 0.1। तो ये पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, ये निगेटिव साइन जो शो कर रहा है इसकी वजह से क्या कहेंगे कि ये पैराबोला जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड रहा, कनकेव डाउन, डाउनवर्ड होगा, राइट ना, कनकेव डाउन होगा। तो ऐसी स्थिति में हम पैराबोला का स्ट्रक्चर जो खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, एक रफ आइडिया लेते हैं, वो पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, डाउनवर्ड टाइप से, ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड टाइप का होगा, और इसके जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0.1 होगा, और जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो कहाँ कट करेगा, 2.0 और -2.0 पे कट करेगा। लेकिन हमारे पास सर्कल है, ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से 2 तक ही इस तरह का होगा, और यहाँ से फिर पैराबोला का नेचर 2 के बाद बदलना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 के बाद या 2 के पहले क्या है, पैराबोला का इक्वेशन जो है वो बदल रहा है, कैसा बदल रहा है कि व्हेन 4y इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, और ये 4y कब, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस 2 और एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसी स्थिति में ये पैराबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 1, यानी ये पैराबोला पॉजिटिव है तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, दिस विल बी वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड होगा, ये कनकेव अप कह सकते हैं, तो ये कनकेव अप होगा, और इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा कहाँ पे बताएंगे आप, एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस वन, सो जीरो माइनस वन पे इसका वर्टेक्स होगा, वाई जीरो पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू होगा, जब वाई आप क्या पुट कर देंगे, जीरो, टू व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, सो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पे हो गया माइनस टू जीरो, एंड व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस विल बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस विल बी लाइक माइनस टू कॉमा जीरो एंड टू कॉमा जीरो, उसमें भी यही था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस टू के बाद और माइनस टू के बाद और माइनस टू के पहले ये पैराबोला होगा और ये अपवर्ड होगा, यानी जो ये पैराबोला का हम स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहे हैं इसमें यहाँ पे ये होगा कि ये जो चीजें होगी पैराबोला वो यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा होगा डाउनवर्ड, और यहाँ से यहाँ तक फिर इसका जो वर्टेक्स होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, यहाँ 0.-1 पे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, और ये पैराबोला जो होना चाहिए 0.-1। एक पैराबोला तो होगा लेकिन उसका पैराबोला का ये जो स्ट्रक्चर है वो माइनस टू और टू के आगे होगा, इधर नहीं होगा, माइनस टू से टू के बीच में तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये एक आइडिया लग गया हमें कि पैराबोला का स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए।
और अब हमें एरिया कौन से निकालना चाहिए वो भी हम देखते हैं। चलिए पहले एक फाइनल फिगर जो दिमाग में हमारे अभी तक आया है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि एक सर्कल होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, दो पैराबोला का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तीन चीजें हमारे दिमाग में आ गई है कि एक सर्कल होना चाहिए जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और दो पैराबोला होना चाहिए, एक जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और दूसरा जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। तो आइए पहले इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया और ये सर्कल में ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये हो गया। अब यहाँ पे ये सर्कल जो है इसका इक्वेशन क्या दिया है, इसका इक्वेशन दिया गया है हमें कि ये सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है। यानी यहाँ से वाई अगर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें यहाँ पे, ये जो पैराबोला है अभी हमने बात जो किया था कि ये पैराबोला जो है वो क्या है, ये कुछ इस तरह का है, यहाँ से ऐसे आएगा ये पैराबोला, यहाँ से ये पैराबोला जो होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये जो पैराबोला है कुछ इस तरह का आएगा, और ये लेकिन हमें देखना है कि यहाँ से ये पैराबोला कुछ, चलिए ये देख लेते हैं पहले, ये पैराबोला जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, और ये पैराबोला कुछ इस तरह का है। ये जो पैराबोला है नीचे वाला, ये पैराबोला हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये पैराबोला, ये पैराबोला, इसका मतलब है कि हमें जो पैराबोला दिया गया है ये पैराबोला कौन सी है, ये पैराबोला है हमारा जो अपवर्ड वाला है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2, 0 पे, और यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे -2, 0। तो पैराबोला जो 0 से -2 से 2 के बीच में है वो पैराबोला है कैसा, ये पैराबोला जो यहाँ पे है उसका इक्वेशन है कुछ इस तरह का, ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन है, अभी ऊपर हमने देखा क्या था इक्वेशन पहले वाले पैराबोला का, पहले वाले पैराबोला का इक्वेशन था जो -2 और 2 के बीच में है वो है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस 4y, ये जो पैराबोला है ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4y। ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू जो अगर हमें लिखना चाहे इसमें से तो लिख देंगे। और तो आइए अब क्या करें कि हमें एरिया कौन से निकालनी है वो हमें डायग्नोस करना होगा। तो लिखा था कि चार कर्व, ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन से कर्व दिए गए थे, एक x इज इक्वल टू 0 दिया गया था यानी ये वाली लाइन, दूसरा इस सर्कल के बीच में और ये पैराबोला के बीच में, और ये जो है हमारा पैराबोला इनके बीच में, तो ये एरिया हमें निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये 2 पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है, तो ये लाइन जो हो गया वो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो सर्कल का एरिया अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी, एक तो एरिया निकालनी पड़ेगी सर्कल का और इस पैराबोला के बीच का, यानी सर्कल का एरिया में से इस पैराबोला का एरिया माइनस कर लेंगे, दूसरा सर्कल का एरिया यहाँ से यहाँ तक लिखें और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, और उसमें से इस पैराबोला का एरिया यहाँ से यहाँ तक माइनस कर ले, तो ये बीच का एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड दिस पैराबोला वी नीड टू कैलकुलेट, तो पैराबोला जो अपवर्ड है उसका इक्वेशन है ये इक्वेशन है उसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4y। तो अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है टू गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है सर्कल का इक्वेशन, और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4y, ये कौन सा पैराबोला है, ये बाद वाला पैराबोला है, ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है, ये पैराबोला ये वाली पैराबोला का इक्वेशन।
क्वेश्चन है, तो इसका हमने क्वेश्चन लिखा था एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 प्लस 4y लिख दिया प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 7 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक y जो होगा माइनस 7 होगा और y जो होगा वो क्या होगा 3 होगा, माइनस 7 तो पॉसिबल है नहीं, तो ये हो गया 3, ये 3 पे 0 y 3 है और y अगर 3 है तो x कितना होगा, x क्या होगा y 3 आ गया, इससे आ गया y is equal to 3 and इसमें अगर हम रखते हैं now x square is equal to 4 plus 4 y 3 रखोगे तो 4 3 जा 12, 12 plus 4 16, x square is equal to 16 यानी x is equal to plus minus 4। तो point of intersection जो हो गया point of intersection r क्या क्या मिलेगा point of intersection, एक हो गया 4 comma 3 और दूसरा हो गया माइनस 4 कॉमा 3, ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है ये माइनस 4 कॉमा 3 है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है 4 कॉमा 3, ठीक है, तो 4 कॉमा 3 ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है 4 कॉमा 3, ठीक है। इसका मतलब अब एरिया जो आप पिक्चर क्लियर हो गया बहुत हद तक, है ना, अब आप समझ पा रहे हैं कि यहां से 0 से लेकर के और हमें कहां तक 2 तक या 4 तक, पूरे 0 से 4 तक एरिया निकाल ले तो ये सर्कल का और इसके बीच का एरिया हमें मिल जाएगा x एक्सिस के बीच का 0 से 4 तक, उसमें से 0 से 2 तक इस पैराबोला का एरिया माइनस करें और 2 से 4 तक इस पैराबोला का एरिया माइनस करें, सो एरिया विल बी नाउ एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू 4 y dx किसके तो अलोंग सर्कल सर्कल माइनस 0 टू 2 y dx किसका तो अलोंग पैराबोला कौन सा पैराबोला जो डाउनवर्ड यानी कौन सा 4y इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर वाला, ठीक है, और 4 माइनस x स्क्वायर वाला, ठीक है, और दूसरा माइनस 2 से लेकर के 4 तक y dx कौन सा पैराबोला तो अलोंग पैराबोला पैराबोला 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 ये वाला। तो अब इसमें से y सब में से y निकाल के रख दिया जाए तो यहां पे होगा 0 टू 4, इसमें y का मतलब अभी आपने सीखा था y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसमें y का मतलब क्या हो गया 0 से 2 तक, इसमें y जो होगा वो होगा 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4, ध्यान से देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बाय 4 1 और माइनस x स्क्वायर बाय 4 dx, और इसमें y निकाले तो 2 से 4 तक यहां पे क्या निकलेगा, यहां पे हमें निकालना है कहां से कहां तक y की वैल्यू x स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से मिलेगा, इसमें तो फार्मूला लगेगा कौन सा फार्मूला तो x by 2 अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by 5 x by a होता है और ये कहां से कहां तक 0 से 4 तक माइनस यहां पे x माइनस x क्यूब बाय 3 3 और 4 मिलकर 12 हो गया, ये कहां से कहां तक 0 से 2 तक माइनस यहां पे x क्यूब बाय 12 माइनस x कहां से कहां तक 2 से 4 तक, तो ये अब पूरा एरिया हमारा निकल के आएगा। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं क्या क्या मिलेगा, देखिए यहां पे 4 रखेंगे तो 4 बाय 2 2 हो गया और 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो ये मिलेगा और 0 जब रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 यानी पहले पार्ट से हमें 6 मिला सिर्फ, यहां 25 बाय 2 sin इनवर्स 4 बाय 5 और 0 रखेंगे तो sin इनवर्स 0 इज 0 तो पहले पार्ट से ये मिल गया माइनस यहां पे क्या होगा 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर ये होगा 2 माइनस 2 का पावर क्यू 8 बाय 12 8 by 12 is 2 by 3 ये मिलेगा,
यहां से जीरो रखेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, फोर रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए फोर रखेंगे तो एक होगा, फोर का पावर थ्री यानी 64/12 यानी 8/16/3 माइनस, अब टू का क्यूब, टू का क्यूब क्या होगा, टू का क्यूब 8/12, 8/12 उसको फोर से कैंसिल करो तो क्या मिल जाएगा 2/3, ठीक है, ये पहले पार्ट से मिलेगा। जब हमने क्या रखा, 4 क्यूब बाई 3 यानी 64/12 माइनस 2 क्यूब दैट इज 8/12, 64/12 माइनस 8/12 इज 56/12 कह सकते हैं, या ऐसे 16/3 माइनस 2/3 इज 14/3, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे 4 माइनस 2, एक बार 4 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इज 2, तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 6 + 25/2 साइन इनवर्स 4/5 माइनस 3 × 6 6 − 2 4/3 4/3 माइनस यहाँ पे 14/3 एंड 3 × 6 सो 14 − 6 8/3 सो दैट विल बी 8/3 क्यों, यहाँ से 14/3 मिलेगा और ये 2 माइनस करेंगे तो 14/3 − 2 यानी 14 − 6/3 दैट इज 8/3 तो −8/3 अब 8/3 एंड 4/3 −12/3 सो 6 + 25/2 sin inverse 4/5 −12/3 दैट इज 4 12/3 इज 4 सो 6 − 4 इज 2 + 25/2 sin inverse 4/5 ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी ही है तो आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, समझ में आ गया, एक बार फिर से बताएं कि आप समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको ग्राफ की कम्प्लेक्सिटी समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया enclosed by the curve y is equal to √5 − x² and the curve y is equal to |x − 1 इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। यहाँ पे दो कर्व है, एक कर्व क्या है, पहले कर्व की एनालिसिस कर ले, y is equal to 5 − x² अंडर रूट, इसका मतलब है कि हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये समझ लीजिए कि y square is equal to 5 − x² हो जाता है, यानी x² + y² = 5 होता, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इज ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस √5, लेकिन अगर ये y is equal to √5 − x² निकला है तो इसका मतलब ये है इट रिप्रेजेंट हाफ सर्कल, रिप्रेजेंट हाफ सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल हुज y कोऑर्डिनेट कैन नॉट बी निगेटिव मतलब दिस इज अपर हाफ सर्कल, यानी ये कहें तो ये हो गया अपर हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल above x axis तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अपर हाफ सर्कल दैट इज above x axis की बात कर रहा है। और दूसरा जो हमारा चीज है वो है y is equal to |x − 1, ये जो है ये भी y cannot be negative, represent two straight lines which y cannot be negative, एक y is equal to x − 1 when x is greater than 1 and y is equal to 1 − x when x is less than 1, तो ये दो बातें होगी, इसलिए अब इन सबको हम प्लॉट करना चाहेंगे, ठीक है, तो पहले y is equal to 5 − x² का कब प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है एक सर्कल
जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर, लेकिन यह हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से हमें क्या करना चाहिए, इसमें से ये वाला पोर्शन कट कर देना चाहिए। ये कब कुछ इस तरह का हो जाएगा, नीचे वाला हाफ काट दिया तो ये सर्कल जो हुआ, ये सर्कल है हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ये रूट 5 कॉमा 0 है माइनस के साथ, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया वो रूट 5 कॉमा 0 हो गया। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, और ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इनके बीच का ये है y एक्सिस, ये है y डैश, ठीक है, इधर x एक्सिस और ये x डैश, ये आपको पता है। अब इन सब में हमें क्या करना है कि एरिया कौन से निकालनी है, तो हमें एरिया निकालनी है इस लाइन और इस कर्व के बीच का। तो ये बात तो क्लियर है मेरे ख्याल से, आपको समझ आ रही होगी कि कौन सा एरिया हमें निकालनी है। हमें एरिया जो निकालनी है वो ये वाली निकालनी है। तो अब सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है कि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले से आपको पता है कि क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर है। अब y की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो एक माइनस 1 पे कट करेगा x और एक 2 पे, ये आप चाहे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कट करेगा 2 पे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, और x की वैल्यू 2 होने से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 y क्या होगा, माइनस 1 रखेंगे तो y 2 होगा, y इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या क्या हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 कॉमा 1 एंड माइनस 1 कॉमा 2। तो ये जो पॉइंट हुआ ये माइनस 1 कॉमा 2 हो गया, और ये जो पॉइंट हुआ वो 2 कॉमा 1 हो गया। अब हमें एरिया जो निकालनी है वो कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, माइनस 1 से 2 तक। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस 1 से 2 तक, किसके अलाउंग, तो सर्कल के, सेमी सर्कल के अलाउंग, राइट ना, हाफ सर्कल के अलावा माइनस 1 से 2 तक। और उसमें से ये लाइन का एरिया घटा देना है, यहां से अगर मैं घटा दूं माइनस 1 से, ये क्या पॉइंट है, ये 1 कॉमा 0, माइनस 1 से 1 तक इस लाइन के अलावा, और 1 से 2 तक इस लाइन के अलावा घटाएंगे तो ये एरिया मिलेगा, तो बीच का एरिया बच जाएगा। इसका मतलब एरिया जो हुआ, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन is given by what? Area is of shaded portion is कहाँ से कहाँ तक, जरा ध्यान से देखिए, ये है माइनस वन से टू तक सर्कल के अलावा, ठीक है, तो लिखें माइनस वन से टू तक along y dx along कौन सा कर्व है, तो y is equal to 5 minus x square under, ठीक है, इसके, और फिर उसमें से किसको किसको माइनस करना है, माइनस वन से वन तक y is equal to y dx किसका, तो y is equal to 1 minus x वाला, and minus 1 से 2 तक y dx किसके along, तो दूसरा लाइन y is equal to x minus 1 के along, ठीक है। तो अब ये सारा वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये minus 1 से 2 under root 5 minus x square dx minus यहाँ से minus 1 से 1 1 minus x dx माइनस वन से टू तक, कहां से कहां तक, एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये हो गया क्या, इसका आंसर अगर लिखें तो ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट फाइव। ये आ गया कहां से कहां तक, माइनस वन से टू तक।
माइनस वन के इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कहां से कहां तक, तो माइनस वन से वन तक, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स कहां से कहां तक, वन से टू तक, ठीक है। सो व्हाट विल कम, अब इसको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करने पे ये मिलेगा, टू रखेंगे तो यहाँ टू बाई टू वन, और टू स्क्वायर का मतलब फोर, फाइव माइनस फोर वन, तो वन इंटू वन क्या हो गया वन, तो पहले पार्ट में वन आएगा, दूसरे पार्ट में अगर माइनस वन रखू, माइनस फिर माइनस वन रखू, तो माइनस वन रखने से क्या हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन फाइव माइनस वन फोर, फोर का स्क्वायर टू, टू से टू कट जाएगा, और यहाँ से क्या रहेंगे माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। ये हो गया पहले पार्ट से, दूसरे पार्ट से क्या मिलेगा, टू रखेंगे तो टू बाई टू वन, ठीक है, और साइन इनवर्स क्या मिलेगा टू बाई रूट फाइव, फिर माइनस वन रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस, माइनस वन रखेंगे तो ये फाइव बाई टू, और मिलेगा क्या साइन इनवर्स, पहले हमने रखा है, ध्यान से देखिए, पहले रखा है टू, अरे यहाँ क्यों टू रखते हैं, गलत हो गई थोड़ी सी, जरा इसको सुधारिए, पहले पहले पार्ट तो ठीक है, दूसरे पार्ट में है फाइव बाई टू, क्या होगा साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव माइनस साइन इनवर्स कितना, तो माइनस वन बाई रूट फाइव, ये आएगा, है ना दूसरे पार्ट में, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा वन रखेंगे, वन माइनस माइनस वन दैट इज टू, ठीक है, और माइनस वन स्क्वायर बाई टू, और माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू दैट विल बी जीरो, तो यहाँ से सिर्फ टू ही बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस टू का स्क्वायर फोर बाई टू माइनस वन बाई टू तो थ्री बाई टू, एंड माइनस टू माइनस वन दैट इज वन, तो ये बच जाएगा, सो दैट विल बी फाइनली टू प्लस फाइव बाई टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, सो वी कैन राइट दिस क्वेश्चन, सो दैट विल कम साइन इनवर्स टू बाई रूट फाइव प्लस साइन इनवर्स वन बाई रूट फाइव, राइट, और ये हो गया माइनस टू, और ये हो गया थ्री बाई टू माइनस हाफ इज माइनस हाफ, सो दिस माइनस टू एंड दिस प्लस टू विल बी कैंसल्स आउट, एंड नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, फाइव बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स एक्स, राइट, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वन बाई फाइव प्लस वन बाई रूट फाइव अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सो फोर बाई फाइव, सो दैट विल कम एंड माइनस हाफ, सो फाइनली दिस थिंग कैन बी रिटन एज फाइव बाई टू साइन इनवर्स, यहां से मिलेगा फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव का मतलब टू बाई रूट फाइव, और टू बाई रूट फाइव तो क्या हो गया साइन इनवर्स फोर बाई रूट फाइव, टू बाई रूट फाइव एंड टू बाई रूट फाइव दैट इज फोर बाई फाइव, नीचे हो जाएगा फोर बाई फाइव, यहां से भी टू बाई रूट फाइव मिलेगा, और यहां से वन बाई रूट फाइव इंटू यहां से मिलेगा वन बाई रूट फाइव दैट इज वन बाई फाइव, तो वन बाई फाइव यहां से भी मिल गया, तो फोर बाई फाइव और वन बाई फाइव मिल गया, इसका मतलब हो गया फाइव बाई टू साइन इनवर्स फाइव बाई फाइव साइन इनवर्स वन, ठीक है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स वन इज व्हाट फाइव बाई टू, सो फाइव बाई टू इंटू फाइव बाई टू माइनस हाफ, and therefore this will be 5 pi by half, you can take common, yeah 5 pi by 4 minus half, this is the answer, square unit, that will be the answer of this question, so I hope you got it right, so this is a bit complex question and difficult question, but still you can do that and it will develop your concept as well, so मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं है और बहुत बड़ी कोई तमाशा नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और कहीं कोई अगर दिक्कत रहती है तो आप हमें जरूर लिखें, हम तो आपकी सेवा में हाजिर है ही हैं, है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का बड़े प्यार से सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप में एबिलिटी जरूर डेवलप हो जाएगी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, और उस दिन कुछ और नई बात होगी, गॉड ब्लेस, keep watching.